स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू हाफ चैप्टर, सिक्स्थ चैप्टर, ग्रहम शून्यम सुताम विना. ओके, टुडे वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर. गृहम शून्यम सुताम विना, इसका मीनिंग क्या है? घर जो है सुना है, पुत्री के बिना घर सुना है. हाफ चैप्टर हमने रीड किया था, उसको एक बार देखेंगे कि हमने क्या पढ़ा था उसमें. उसमें हमने ये पढ़ा था कि शालिनी जो है वो ग्रीष्म अवकाश में, गर्मियों की छुट्टियों में अपने पिता के घर आती हैं और वहाँ पर वो अपनी भाभी को परेशान देखती है. उसकी भाभी कौन है? माला. और उसके भाई कौन थे? राकेश. ठीक है, वो माला को परेशान देखती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ, आप ऐसे इतने उदास क्यों हो, परेशान क्यों हो, अस्वस्थ क्यों लग रहे हो? लेकिन वो जो है वो रीज़न तब तक बताती नहीं है. फिर जो राकेश है वो अपनी बहन से कहते हैं कि तुम जो है एकदम समय पर आई हो, मेरे जो कार्यालय में एक अचानक से एक गोष्ठी निश्चित हुई है, सेमिनार निश्चित हुआ है, लेकिन मुझे माला को दिखाने जाना था डॉक्टर के पास, लेकिन सलाह के लिए, लेकिन मैं नहीं जा सकता, इसलिए तुम जा करके और माला को उसे डॉक्टर से परामर्श के लिए लेके चलो. तभी वो पूछती है कि क्या हुआ, भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या? लेकिन वो उसे फिर बोलता है कि तुम्हें रास्ते में माला सब कुछ बता देगी. फिर जो माला है वो अपनी परेशानी का कारण शालिनी को बताती है कि जो मैं हूँ वो 3 महीने से गर्भवती हूँ और मेरे पति यानी कि तुम्हारे भाई ये चाहते हैं कि मैं लिंग परीक्षण करवाऊँ. तब उस शालिनी को गुस्सा आता है, वो बोलती है कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए, यह अपराध है और इसका विरोध तुमने क्यों नहीं किया? जो कोख में तुम्हारा बच्चा पल रहा है उसके लिए तुमने विरोध क्यों नहीं किया? ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि तुम लिंग परीक्षण कराओगी. फिर वो वहाँ से उसे घर लेकर चलती है और बोलती है कि भैया आने पर मैं उनसे बात करूँगी. और शाम को जब वो भाई उनका घर पर आता है, वो हाथ पैर धो करके और पूजा पाठ करके और माँ देवी की स्तुति करता है. उसके बाद में चाय पान के लिए सारे एकत्रित होते हैं. और जब राकेश है वो माला से पूछता है कि क्या तुम डॉक्टर से परामर्श लेकर आ गई, तभी वो चुपचाप वहीं पे खड़ी रहती है, मौन रहती है, कुछ नहीं बोलती है. और इतने में उसके 3 साल की पुत्री अंबिका उसकी गोद में आकर बैठ जाती है और उसे चॉकलेट मांगती है, टॉफ़ी मांगती है. ठीक है, और फिर वो राकेश जो है अंबिका को प्यार करता है, उसके बाद में उसे चॉकलेट देता है और उसे अपनी गोद से उतार देता है. और फिर माला जो है वापस माला की तरफ वापस प्रश्न पूछने की दृष्टि से उसकी तरफ देखता है क्योंकि उसने अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया था. इतने में शालिनी है वो उत्तर देती है कि भाई तुम ये क्यों चाहते हो कि तुम लिंग परीक्षण क्यों करवाना चाहते हो? कि इसलिए क्योंकि कोख में पुत्र है या पुत्री है इसका पता चल जाए. किस लिए? 6 माह के बाद में तो ये पता चल ही जाएगा कि पुत्र होगा या पुत्री. और उसके बाद में राकेश कहता है कि बहन जो तुम नहीं जानती, अपनी शालिनी से बहन शालिनी है उससे कहता है कि तुम नहीं जानती क्योंकि जो घर में है वो 3 साल की पुत्री अंबिका, तो एक पुत्री तो मेरे पास है ही, इसलिए एक पुत्र की आवश्यकता है और इसीलिए मैं लिंग परीक्षण करवाना चाहता हूँ. ठीक है, अब देखो आगे क्या है. शालिनी बोलती है तरही कुक्षी पुत्री अस्ति. शालिनी बोलती है कि यदि कोख में पुत्री हुई चेत हंतव्या, तो क्या वो मारने के लिए है, वध करने के लिए है? त्रिव सवेन, जोर से बोलती है, हत्याया पापम कर्तुम प्रवृत्तो असि त्वम. तुम तो हत्या के पाप में लगे हुए हो, तुम तो हत्या करना चाहते हो क्योंकि अगर पुत्री हुई तो तुम उसे मरवा देना चाहते हो. राकेश, ने हत्या तू ने, नहीं नहीं हत्या तो नहीं. शालिनी, तर ही किमस्ति निग्रणम कृत्यम अदम. निग्रणम मतलब निंदित, तो फिर यह इतना निंदित कर्म क्यों कर रहे हो? सर्वथा विस्मृतवान, लग रहा है सब ओर से तुम भूल गए हो, विस्मृत हो गए हो. अस्माकम जनक है, हमारे पिताजी कदापि पुत्री पुत्रियों विभेदम न कृतवान. हमारे पिताजी ने कभी भी पुत्र और पुत्री में भेद नहीं किया, अंतर नहीं किया. सह सर्वदेव मनुस्मृते, वे हमेशा से ही मनुस्मृते पंक्ति इमाम उद्धरती इसमें, वे हमेशा से ही मनुस्मृति की इस पंक्ति को उदाहरण देते थे, दोहराते थे. उद्धरती मतलब दोहराते थे. आत्मा वही जायते, आत्मा वही जायते पुत्र है, आत्मा ही पुत्र होता है. पुत्रेण दुहिता समा, और पुत्र ही जो पुत्री है वो पुत्र के समान होती है. आत्मा पुत्र होता है और पुत्री वो जो है पुत्री है वो पुत्र के समान होती है. त्वम अपि सायं प्रातः देवी स्तुतिम करोसी, तुम भी तो साय को प्रातःकाल को देवी मैया की स्तुति करते हो. किमर्थम सृष्टि उत्पादन्या सक्त्या तिरस्कारम करोसी, तो किस लिए सृष्टि की जो उत्पादन शक्ति है उसका तिरस्कार क्यों कर रहे हो? ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि एक स्त्री के द्वारा ही आगे जो है वो वंश बढ़ता है. तो वो बोल रही है कि तुम क्यों इस सृष्टि की उत्पादन जो शक्ति उत्पादन करने वाली जो शक्ति है उसका तिरस्कार कर रहे हो. तव मन से इति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में इतनी गंदी विचार, इतना गंदा विचार आया. चिंतित एव अहम कुंठिता अस्मि, यह सोच कर ही मैं बहुत दुखी हूँ कि तुम्हारे मन में ऐसा विचार आया, इतनी गंदी सोच तुम्हारे मन में आई है, ऐसा सोच कर ही मैं बहुत दुखी हूँ. तव शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा तो व्यर्थ गई है.
राकेश भगिनी बहन विरम विरम रुको रुको अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि लज्जिता अस्मि, मैं अपने इस अपराध को स्वीकार करके लज्जित हूँ, शर्म मुझे इस बात पर लज्जा आ रही है, शर्म आ रही है। अद्य प्रभृति कदापि गृहीतम इदम कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि। अद्य प्रभृति यानी कि आज से लेकर के कदापि कभी भी गृहीतम इदम जो यह निंदित कार्य है, गृहीत मतलब निंदित निंदापूर्वक जो यह कार्य है, स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि स्वप्न में भी मैं कभी नहीं सोचूंगा। अब आज से लेकर के मुझे ये समझ आ गया है, आज से लेकर के मैं कभी भी ऐसे निंदित कार्य के बारे में स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा। तथ यथेव अंबिका मम हृदय से संपूर्ण स्नेह से अधिकारिणी अस्ति। यथेव यानी कि जिस प्रकार अंबिका मम हृदय से मेरे हृदय की संपूर्ण स्नेह से संपूर्ण स्नेह की अधिकारी है, उसी प्रकार तथेव उसी प्रकार आगता शिशु अपि स्नेह अधिकारी भविष्यति। उसी प्रकार आने वाला शिशु भी चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो स्नेह का अधिकारी होगा। पुत्र भवतु पुत्री वा कि वैसे ही जिस प्रकार अंबिका मेरे संपूर्ण स्नेह की अधिकारी है, उसी प्रकार चाहे आने वाला कोई भी आने वाला शिशु पुत्र हो या पुत्री हो मेरे स्नेह का अधिकारी होगा। अहम स्वगृहित चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्न अस्मि, मैं अपने इस निंदित विचार इस गंदे विचार के लिए पश्चाताप में मग्न हूँ, मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैं यह कैसे भूल गया, कथम यानी किस प्रकार विस्मृतवान मैं यह कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रवंत्री तत्र देवता, यत्र एता न पूज्यन्ते सर्वा तत्र अफला क्रिया कि जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहाँ पर देवता रमण करते हैं, वहाँ पर देवता विचरण करते हैं। यत्र एता न पूज्यन्ते और जहाँ पर इनकी पूजा नहीं की जाती है यानी कि जहाँ पर स्त्री की पूजा नहीं की जाती है सर्वा तत्र अफला क्रिया, वहाँ पर सारी क्रियाएँ निष्फल हो जाती है, वहाँ पर उन क्रियाओं का कोई फल नहीं होता है। जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहाँ देवता रमण करते हैं और जहाँ नारियों की पूजा नहीं की जाती है वहाँ पर सभी क्रियाएँ अफल हो जाती हैं। अथवा पितुर दस गुणा माते थी, अथवा पिता से दस गुना माता होती है यानी कि पिता से दस गुना बढ़कर माता का स्थान होता है। त्वया सन्मार्ग प्रदर्शित है भगिनी, तुमने मुझे सन्मार्ग दिखाया है बहिन। कनिष्ठा अपि छोटी हो तुम मम गुरु असी, छोटी हो मुझसे लेकिन मेरी गुरु के समान हो। शालिनी अलम पश्चातापेन, अब पश्चाताप मत करो, तो मन से है अंधकार है अपगत है, तुम्हारे मन से अंधकार हट गया है, अपगत है दूर हो गया है या हट गया है। प्रसन्नताया विषय अयम, यह प्रसन्नता का विषय है, खुशी का विषय है कि तुम पश्चाताप मत करो, तुम्हारे मन से ही अंधकार हट गया है, दूर हो गया है, जो गलत फहमी थी वो तुम्हारे मन से हट गई है, इसलिए अब तुम अब जो है ये प्रसन्नता का विषय है। भात्र जाए भाभी आगच्छ आओ, सर्वा चिंताम त्यज सभी प्रकार की चिंता छोड़ो, आगंतु शिशो स्वागताय चय सन्नदा भव और आने वाले शिशु के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। कि अब वो अपनी भाभी से बोल रही है कि भाभी आओ सभी प्रकार की चिंता को छोड़ करके और आने वाले शिशु के स्वागत के लिए सन्नदा भव यानी कि तैयार हो जाओ। ब्रात है भाई तुम अपनी प्रतिज्ञा करो, भाई तुम भी यह प्रतिज्ञा करो। कन्याया रक्षणे कन्या के रक्षण रक्षा के लिए तस्या पाठने दत्त चित स्थाशी, कन्या के रक्षण के लिए और उसके पठन के लिए दत्त चित रहोगे। पुत्री रक्ष पुत्री पाठे बेटी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इति सर्वकार्यस्य घोषणम, इति यह सरकार की घोषणा। तदेव सार्थिका तभी सार्थक होगी भविष्यति होगी यदा यदा यानी कि जब वयम हम सब सर्वे सभी मिलित्वा मिलकर के चिंतनम इदम इस चिंतन को यथार्थ रूपम करिष्यामि, इस चिंतन को यथार्थ रूप में करेंगे कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ये जो सरकार की घोषणा है जो है ये तभी सार्थक होगी जब हम सब मिलकर के इसके बारे में सोच करके इसको न सोच कर नहीं इसको यथार्थ रूप में करेंगे भी, सिर्फ सोचने से नहीं होगा। या गार्गी श्रुत चिंतने नृप नये पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञाना अंगणे कल्पना इंद्रो उद्योग पथे चे खेल जगति ख्याति अभितय साइना से यम स्त्री सकलाशु दिक्षु सबला सर्वे से उत्साहतम। देखो या गार्गी यानी कि जिस प्रकार इसमें यहाँ पर कुछ स्त्री के जो उदाहरण दिए हुए हैं, या गार्गी श्रुत चिंतने जिस प्रकार की वेद आदि के चिंतन में ज्ञान में गार्गी का नाम और विक्रम राजा विक्रम को न्याय दिलाने में पुतलियाँ और शत्रुओं का संहार करने में रानी लक्ष्मीबाई और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना चावला और उद्योग के क्षेत्र में इंदिरा और खेल जगत में ख्याति प्राप्त साइना नेहवाल और सेयम इस प्रकार ये सभी स्त्रियाँ सकलाशु दिक्षु सभी दिशाओं में सक्षम है सबला है
और सर्वे सदुत्साह, इस प्रकार सभी स्त्रियों को उत्साहित करना चाहिए। ठीक है, अब इस लेसन के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत, ये पूर्ण वाक्यन है। ठीक है, फर्स्ट है दिष्टया का समागता, दिष्टया यानी कि समय पर कौन आ गई थी, शालिनी। का की जगह आपको आंसर लिखना है, बाकी पूरा सेंटेंस वैसे ही रहेगा, दिष्टया शालिनी समागता। फर्स्ट का आंसर लिखना है शालिनी, लेकिन आपको कंप्लीट लिखना है, इसमें का की जगह आंसर होगा। नेक्स्ट, राकेश से कार्यालय का निश्चिता, राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित हुई, तो आपको का की जगह आंसर लिखना है एक का गोष्ठी। एका गोष्ठी, राकेश से कार्यालय एका गोष्ठी निश्चिता। राकेश शालिनी कुत्र गंतुम कथयति, राकेश शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहता है, तो चिकित्सिका। ओके, राकेश ने शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहा था, चिकित्सिका। ओके, नेक्स्ट देखो, सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्यं किं करोति, सायंकाल को भ्राता कार्यालय से आकर के क्या करते थे, क्या करते थे, तो आपको लिखना है सायंकाले किम की जगह आपको लिखना है पूजा ग्रहम गत्वा दीपम प्रज्वलति पूजा घर में जाकर के दीप प्रज्वलित करके और भवानी स्तुतिम करोति। भवानी स्तुतिम किम की जगह आपको इतना आंसर लिखना है कि भ्राता सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य पूजा ग्रहम गत्वा दीपम प्रज्वलति भवानी स्तुतिम करोति। ठीक है, पूजा घर में जाकर के दीप प्रज्वलित करके और भवानी की स्तुति करते थे। ठीक है, राकेश है कस्य तिरस्कारम करोति, राकेश ने किसका तिरस्कार किया, तो राकेश है सृष्टि उत्पादनया शक्तया। इसमें जो है आपको कस्य की जगह लिखना है सृष्टि उत्पादनया सृष्टि उत्पादनया शक्तया कन्याया, सृष्टि उत्पादन की शक्ति कन्या का उसने अपमान किया था। यह आपको लिखना है कश्या की जगह शालिनी भ्रातरम काम प्रतिज्ञा कर्तुम कथयति, शालिनी ने भाई को क्या प्रतिज्ञा करने के लिए कहा, तो शालिनी आपको इसमें ऐसे लिखना है शालिनी भ्रातरम प्रतिज्ञा कर्तुम कथयति, उसके बाद में लिखना है कन्याया रक्षणे, कन्याया रक्षणे कन्या की रक्षा करने के लिए और तस्या पाठने कन्याया रक्षणे तस्या पाठने दत्त चित्त है, दत्त चित्त है स्थाशसी। तो क्या कहा था उसने, कन्याया रक्षणे तस्या पठने कन्याया रक्षणे तस्या पाठने दत्तचित्त स्थाशसी, कन्या के रक्षण में और उसके पठन के लिए दत्तचित्त रहोगे।
ओके, इसमें देखो आपको यहाँ से लिखना है, शालिनी भ्रातरम प्रतिज्ञां कर्तुम कथयति कन्याया रक्षणे तस्या पाठने दत्तचित्त स्थास्यसि। यत्र नार्य न पूज्यन्ते तत्र किम भवति, यत्र नार्य न पूज्यन्ते तत्र किम भवति, किम की जगह आपको लिखना है सर्वा क्रिया अफला भवन्ति, सर्वा क्रिया अफला अफलाह भवन्ति, वहां पर है वो सारी क्रियाएं निष्क्रिय हो जाती है। किम की जगह आपको ये आंसर इसमें लिखना है, ठीक है, सर्वा क्रिया अफलाह भवन्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अधोलिखितम पदानाम संस्कृत रूपम तत्सम रूपम लिखत, संस्कृत रूप लिखना है यानी कि तत्सम रूप लिखना है। फर्स्ट का है कोक, कोक का क्या हो जाएगा कुक्षी, सामने आपको इसमें लिखना है कोक कुक्षी, साथ सह और गोद क्रोडे, नेक्स्ट भाई भ्राता और कुआं कूप, दूध क्षीरम, ये इनके तत्सम रूप है यानी कि संस्कृत में रूप है, ठीक है, कुक्षी सह क्रोडे भ्राता कूप और क्षीरम। नेक्स्ट उदाहरणम अनुसृत्य कोष्टकम प्रदत्तेषु पदेषु तृतीय विभक्तिम प्रयोज्य रिक्त स्थाने पूर्यत, इसमें तृतीय विभक्ति लिखनी है। अब मात्रा सह पुत्री गच्छति, मात्री जो शब्द था उसकी तृतीय विभक्ति मात्रा हो गया, तो इसमें खे में देखो परिश्रम है तो परिश्रम का क्या हो जाएगा परिश्रमेण, सभी में इनमें तृतीय विभक्ति करनी है। फर्स्ट परिश्रम का हो जाएगा परिश्रमेण, जैसे राम के रूप में होता है रामेण, ये हो जाएगा परिश्रमेण। नेक्स्ट लेखनी, लेखनी का होगा लेखिन्या, ये स्त्रीलिंग रूप है तो इसका राम जैसे नहीं चलेगा लेखिन्या। और नेत्र का हो जाएगा नेत्राभ्याम, नेत्राभ्याम। मित्र का हो जाएगा मित्रेण, मित्र मित्रेण, ये तृतीय विभक्ति हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कै स्तंभे खै स्तंभ मेलनम करने हैं हमको। फर्स्ट स्वस्था, तो स्वस्था को मैच करना है मनोदशा से, मनोदशा जो है वहां से मैच कर दो, स्वस्था का क्या होगा मनोदशा। महत्वपूर्णा गोष्ठी और जगन्यम कृत्यम क्रीडंती पुत्री कुत्सिता वृत्ति, एक बार वापस देखेंगे, स्वस्था को मैच करना है घय से मनोदशा, महत्वपूर्णा को मैच करना है गोष्ठी से, जघन्यम को मैच करना है कृत्यम से, और क्रीडंती को मैच करना है पुत्री से, और कुत्सिता को मैच करना है वृत्ति से। ओके, ये आप लोग मैच कर देना। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, अधोलिखिता नाम पदा नाम विलोम पदम पाठा चित्वा लिखत, इनके विलोम शब्द लिखने हैं। स्व, स्व मीन्स होता है कल, आने वाला कल, और इसका उल्टा हो जाएगा हय, हय मीन्स बीता हुआ कल। प्रसन्ना, इसका हो जाएगा उदासीना, ठीक है। वरिष्ठा कनिष्ठा, और प्रशंसितम गर्हितम, और प्रकाश है अंधकार है, प्रकाश है अंधकार है, अफला सॉरी सफला अफला, निर्थर कह है सार्थक है, निर्थरक सार्थक, ये हो गए विलोम शब्द। नेक्स्ट रेखांकित पदम आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पद के अनुसार हमें प्रश्न निर्माण करने हैं। प्रसन्नताया विषयो अयम, तो प्रसन्नताया का यह विषय है, तो यहाँ पर प्रसन्नताया की जगह आपको लिखना है कस्या, प्रसन्नताया कस्या। सर्वकार्यस्य घोषणा अस्ति, सरकार की घोषणा है, और सर्वकार्यस्य की जगह हो जाएगा कस्या, ठीक है। नेक्स्ट अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि, मेरे द्वारा अपना अपराध स्वीकार किया गया, स्व अपराधम की जगह हो जाएगा किम। नेक्स्ट समयात पूर्वम आयसम करोसी, समयात तो कस्मात, ये आपको कंप्लीट लिखने हैं और क्वेश्चन बनाने हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। अंबिका क्रोडे, क्रोडे गोद में तो कुत्र,
ठीक है, ये हो गए प्रश्न निर्माण। नेक्स्ट सहसेव, सहसेव का देखो क्या होगा, सहसा प्लस एव संधि विच्छेद है, सहसा दिया हुआ है और सहसा के बाद में क्या लग जाएगा, एव, सहसा प्लस एव। नेक्स्ट परामर्शानुसारम, अनुसारम अलग दिया हुआ है, इसमें होगा परामर्श प्लस अनुसारम, यहाँ पर हो जाएगा परामर्श, परामर्श प्लस अनुसारम। और वधारा, वधारहा तो अरहा दिया हुआ है और वध आपको लिखना है इसमें वध। नेक्स्ट फोर्थ अधुनेव, अधुनेव का हो जाएगा अधुना प्लस एव, अधुना, ओके। नेक्स्ट सॉरी अधुना लिखा हुआ है आपको उसकी जगह पे लिखना है एव, अधुना प्लस एव। लास्ट है आपका प्रवर्तो अपि, प्रवर्त दिया हुआ है वहां पर आपको लिखना है अपि, ओके। सहसा दिया हुआ है आपको एव लिखना है, अनुसारम दिया हुआ है आपको परामर्श लिखना है, अरहा दिया हुआ है आपको वध लिखना है, अधुना दिया हुआ है उसमें एव लिखना है और प्रवर्त दिया हुआ है अपि लिखना है, ओके। ये आपका यहाँ पर चैप्टर सिक्स जो है वो कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।